बार आया रियलमी, अगली बार आएगा एप्पल। कन्फर्म हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, सील पैक भाई। दयावान तो है यार, थोड़ी दिल दया तो है यार इसमें। गुड यार, काजी जी जिंदाबाद। छह महीना साल भर बाद, ठीक छह महीने, छह महीने। हेलो दोस्तों, भाइयों, बहनों, सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में, मतलब आपका और मेरा। तो नए दिन की नई शुरुआत के साथ आज का ब्लॉग कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आज ऐसा हो गया ना कुछ, मेरे को हल्की सी वो, मतलब क्या क्या कहूँ, मतलब कुछ नहीं। ये है ना सीन, भाई है मेरे साथ अभी और मम्मी भी है, मम्मी कहीं निमंत्रण से आई। तो भाई को मैंने 2 घंटे पहले कहा था कि मेरे मतलब चम्पी वम्पी कर, सर्वर की ऐसी मसाज कर ले, और इसने कहा था एक शर्त पे कि मेरे को फ़ोन दिलाओगे। मैंने कहा चल ठीक है, मेरे को लगा मजाक मजाक में कर रहा है करके, लेकिन सीरियसली इसने 2 घंटे टेक दिए, तो वो शर्त में हार गया। तो मेरे को ना इसके लिए मजबूरन फ़ोन लेना पड़ेगा भाई। और जो लोग फैमिली से देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ ना पूछें कि कहाँ से आया, क्या आया। झांसी भी आया, वो मेरे को पता है, और मेरे को ही पता है। तेरे को पता है? नहीं पता है ना, बताना भी नहीं, ठीक है। तो इसके लिए फ़ोन लेने जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले 2 जनों की परमिशन लूँगा, एक यहाँ मम्मी से और एक वहाँ मामा से। मामा अल्मोड़ा ही हैं, अभी कॉल करके आप लोगों के सामने ही पूछेंगे, हाँ बोलते हैं तो ठीक, ना बोलते हैं तो ठीक, लेकिन मना मुन के मैं दिला दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और अनिल तो पहले, मम्मी मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची सीरियस हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए ना फोन लेने जा रही है। ले लू खाली जाने लाने, अरे हो जाएगी, मैं अरे पढ़ाई नहीं कर पाएगा, मना ले मना ले, जाने लाने। अरे फिर चाहिए तो होता है, याद से भी गाली खाने वाले काम हो रहे हैं साइड साथ, मतलब फिर बाद में तो देना ही पड़ता है ना एक। अरे तो मामा से पूछ के दे देते हैं फिर, वो बुआ का भी तो फर्जी बनता है, सीनियर है तो क्यों भाई, वो तो हो जाएगी, उसी के लिए तो चल रहा है, उसकी दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, बाद में मैं सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, मम्मी मजाक नहीं, मैं सही में जा रही अभी बोल रहा हूँ ना, बाद में ले लो उमरू, बाद में ले लो उमरू, क्या खिलो। मामा से पूछे, हाँ पापा से पूछ, मम्मी को, पापा सब दे जबरदस्ती रात में मतलब फोन ऑन, मामा को कॉल करते हैं और उनसे पूछते हैं, लेते लेना तो डन है, मैं लेके दे दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, रोज आएगा यार, छोटा ही तो है मेरा भाई, प्यारा सा, लेकिन उसकी भी शर्तें रखूंगा मैं कुछ बहुत, की ये नहीं करनी वो नहीं करनी, ठीक है। फोन लेगा बुआ का, फोन लेगा फोन, चलो भाई पूछते हैं क्या आता है रिप्लाई आंसर। हेलो हेलो, अरे मामा प्रणाम, बस बढ़िया, आपके क्या हाल? बढ़िया, हाल चाल है कह रहे हैं। अच्छा कहाँ हो? थोड़ा पेट में दिक्कत है, कह रही हूँ मैं आपकी बात से ठीक हूँ। अच्छा तो एक चीज पूछनी थी वो आपसे, मेरे से ना पूछनी, मामी से पूछनी, आपसे पूछनी है, सुनो तो फोन पे आया, अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ ना, सुनो ना। हाँ। मैं आप अभी किससे बात कर रहे हो बताऊँ, आप किससे बात कर रहे हो बताऊँ, अरे हड्डी वाला डॉक्टर नहीं पूछना है यार, अभी मैं बाद में जा रहा हूँ अपना ऑपरेशन कराने, सुनो। हाँ। अभी आप अपने भांजे से नहीं, एक यूट्यूबर से बात कर रहे हो, ठीक है, सही है, ठीक है। तो ये सैले से एक शर्त रखी थी ना, अच्छा, कि 2 घंटे तक अगर मसाज कर लेगा तो जो कहेगा वो दिला दूंगा, और एक इसने 2 घंटे कर दी, नहीं मैं सोया था, अभी बोल रहा है मोबाइल दिलाओ। तो नहीं, मैं तैयार हूँ, मैं दिला दूँ इसको, कोई दिक्कत तो नहीं आपको, मजाक मत करो, मजाक सोच रहे हैं यार मामा, मम्मी बता दो ठीक, अरे मेरे को आया नहीं का जवाब दे दो, फिर हम निकल रहे हैं मार्केट, फोन मामा को मजाक लग रहा है भाई, मामा फोन फोन मैं लेके आ रहा हूँ, शर्त मैं आ गया ना, बस आप आया नहीं बताओ, अरे हम लाएंगे ना, अरे किसी से पूछ रहा, मैं कुछ नहीं, मतलब मैं ले आऊँ ना, मैं दिला दूँ ना,
अरे मैं दिला दूं ना, हाँ या नहीं में जवाब चाहिए मेरे को बस। हाँ या नहीं, ठीक है ओके। यस, मामा ने कन्फर्म कर दिया तो अब हम इसके लिए जाएंगे फोन लेने, भाई खुश हो गया है, ये डन। चलो ओके, थैंक यू सो मच फॉर परमिशन। हाँ एक ठीक ठाक वाला, आप सर तो आ रही है। कोई नहीं, अब मैं दिला देता हूँ, आप कोई नहीं लड़ेगा। मैं कितने पैसे भेजूंगा आपको? आप नहीं भेजोगे, वो मैंने बता दिया था आपको, भांजी से बात नहीं कर रहे हो आप, एक यूट्यूबर से बात कर रहे हो। अच्छा चलो ठीक है, फिर ये सही हो गया। चलो तो मार्केट को चलते हैं दोस्तों, और सफर दिखाते हैं, अनिल के साथ जाएंगे, ठीक है उसको आन देते हैं फिर। चलो भाई मैं हो गया तैयार, और मुंह धोके लौंडो का ऐसा पता ना आते, दो क्रीम पाउडर मतलब नहीं हुआ, ये देखो सच बता, तेरे को विश्वास हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसको अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इसके लिए फोन लेने जा रहा हूँ। एक बार मम्मी से पूछ, मेरे सही में टावा लगा, खाली बॉय कहाँ जा रहे हैं, इतना ही पूछ, बॉय कहाँ जा रहे हैं? बॉय सच सच बता, कहाँ जा रहे हैं बताओ तो। अब हुआ थोड़ा थोड़ा, हुआ थोड़ा जाके हुआ ना, इसको अभी भरोसा नहीं हो रहा, वही दुकान में ही, दुकान में ही चलते हैं, थोड़ा सफर, थोड़ा थोड़ा सफर मेरा क्या है, फिर सीधे दुकान में। रेडमी रेडमी सर तो आ रही है ना यार, तेरे को भी चाहिए कुछ अगले में। अगला भाई चल, पांच छह महीने बाद, छह महीने बाद, छह महीना साल भर बाद, ठीक छह महीने, छह महीने पक्का। तो हेलमेट लाकर लाल अंदर वाला, ये मेरा चलते हैं, मिलते हैं सफर में, लेट्स गो। 4 hours later. चलो हम पहुंच गए, कहां पहुंच गए, पिथौरागढ़ में पहुंच गए। ये है आपका टैक्सी स्टैंड, नगर गोडी कॉम्प्लेक्स के पास। और कैसी सिचुएशन में पहुंचे हैं वो तो मत ही पूछो भाई, क्यों कैसी सिचुएशन में पहुंचे यहां, बहुत बढ़िया आ रही है छोटे तो ऐसा मतलब हाइपर राइड करते आए, चलो ठीक ही है, मजा आया तेरे को? आते हम तीन ही आते, लेकिन ये रहता है कि यार सही नहीं लगता है ना, इलीगल है, तीन जने नहीं बैठा सकते ना, तो हम लोग वैसे आए, इसको एक ड्रा के साथ बाइक में भेजा और सैलिस और मैं साथ। अब चलते हैं दुकान में सिमल गेयर बाजार होते हुए, और लेते हैं रेडमी एमआई पोको। ये पिथौरागढ़ की गांधी चौक मेन मार्केट, पिथौरागढ़ की सेल्फी मोड है, गांधी चौक से सिमल गेयर होते हुए टिप टॉप मोबाइल। गांधी जी जिंदाबाद, टिप टॉप मोबाइल, टिप टॉप मोबाइल्स। तो हम प्रमोशन नहीं करते किसी का जब तक पैसा नहीं देंगे। ये है पिथौरागढ़ की सिमल गेयर बाजार, दिल्ली से और अल्मोड़ा निवासी, कैसा लग रहा तेरे को यहाँ सिमल गेयर बाजार में? ये क्या है सिमल गेयर बाजार में, क्या है, क्या हो गया टिप टॉप सिमल गेयर बाजार में, ये क्या हो गया? अच्छा अनिल से रुपए मांग रहे हैं क्या खुले? भाई दयावान तो है यार, थोड़ी दिल दया तो है यार इसमें, गुड यार, अच्छे काम भी करता है तू, अच्छे काम भी करता है तू, नहीं बनाते हैं कोई नहीं, अच्छे काम भी करता है तू, और बिस्कुट खाई जाओ। चलो ठीक है, नमस्ते कर रहा हूँ उसको। ये पहुंच गए भाई टिप टॉप मोबाइल्स में, अब घुसते अंदर और फोन लेके आना, ठीक है? ये टिप टॉप मोबाइल्स अपने पसंद का अपने आप लेता है। ओए हेलो, मजा आ रहा है, खुशी हो रही है, खुशी हो रही है, देख फिर देख इसका, सही है भाई देख का, और लग रखा है देखने के लिए, बंगा बंग सही है। क्या हुआ परेशान कर दिया, टिप टॉप में नहीं आया पसंद? अच्छा नहीं है। आप कहाँ? ऊपर वाले लोकल, ऊंची दुकान के लायक ही नहीं है लोग इनको फीकी दुकान। नारजू न्यू राजकमल इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ ट्राई करते हैं, मिलता है तो क्यों कर लो, मिल जाएगा, मिल जाएगा, ले जा ले, लपक ले, जा ले ले, जा चल लपक ले, छीन के रखेंगे। ये भाई क्या था, ये Realme C33 कर दिया मैंने, कन्फर्म हो गया, कांग्रेचुलेशंस भाई, करने सील पैक, अगले बार से मत बोलना दे दो करके, पहले बता रहा हूँ तेरे से सर्दी नहीं लगानी है, नहीं, नहीं, तो जो मोबाइल नंबर डालना है ना वो तो उसी। चल फिर चल ठीक है, जब खराब होगा तो दोबारा से कर लेंगे सर। अच्छा अब हर बार तेरे को नए नए फोन दिलाऊंगा, नहीं होगा वो
फुल चिपकाने के मूड में है ना, दो महीने रुक रहा है, बता आईफोन दे दूंगा। करो वापस करो आईफोन जी। नहीं नहीं चल फिर चल। कैसा लग रहा है? C33 फाइनल कराई थी। कैसा लग रहा है? यार घर में मैं बोला था Redmi 10A ही लूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं लूंगा। तू है ही नहीं हां। दर्द कहां हो रही है तो बता। कहीं नहीं, क्या अब पीठ हो रही है, सीने में हो रही है, अब पीठ हो रही है, सीने में हो रही है। खुशी देखो ना इसकी। और Realme C33 ना हेड का लग गए। मुंह काला क्यों हो गया तेरा? मुंह काला क्यों हो गया तेरा? काला क्यों रहे मुंह? पहले बता रहा हूँ, अगर कुछ गलत हुआ फिर वापसी भी जाएगी। चलो भाई, यहाँ से क्या देख रहा भाई? यहाँ से मेरा मेरा भाई, यहाँ से इधर से, इधर से रास्ता बोल। इससे मेरे को ये सीख मिली अगली बार से ना, सर तो अर्थ नहीं लगानी बिल्कुल भी, और इससे तो खास तौर। लेकिन बाकी मेरे जैसे लगा लेना, मैं भाग जाता हूं भाई। मैं बताता हूं, इस बार आया रियलमी, अगली बार आएगा एप्पल। इसको इसको 50 रुपए देके बताओ। आपसे मैं अपना आईफोन ही दिखाऊंगा, जाते ठीक है जी, जाता हूं। एक चिकन रेस्ट पे कर दो तो आप पैक करना। कितने का है? ये रास्ता है, एक ही रास्ता है, एक यहाँ से आता है। इतनी मेहनत जिसे भाई लोग कर रहे हैं, इतनी मेहनत हमने करी है ना, आज हमारी भी बॉडी फिट होती है। बॉडी फिट ओलंपिक्स में होते हैं हम, बॉडी फिट होती है भाई। इतनी मेहनत करी होती ना, मतलब क्या ही था यार। क्या कर रहा हूँ ओलंपिक्स में, मतलब अगर ये कोई प्लेयर्स अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, रिक्वेस्ट रहेगी ये मेरी आप सभी से। और जैसा कि मौसम देख ही सकते हो काफ़ी ख़राब हो रहा है, तो मेरे को ये लग रहा है कि टाइम से घर जाना बेहतर रहेगा। चिकन रेस्ट करते हैं, घर को चलते हैं और मिलते हैं सफ़र में, सफ़र में पिथौरागढ़ के बियर गिल्स। तो चलो भाई अब सीन ही हुआ, चिकन राइस भी ले लिया, खाया नहीं मन नहीं हुआ, पानी पूरी खाई थोड़ी, खाई नहीं खाई, खाई सच बता, खाई ना, हाँ, ना। है ना तू हाँ। ये फर्जी अलर्ट पहन के खुश हो रहा है ये, लेकिन कोई नहीं, सेफ्टी फर्स्ट है भाई। आते वक्त तो हम तीन आए, जाते वक्त तो दास से बात हुई थी कि साथ चलेंगे, लेकिन अब उसकी कॉल नहीं लग रही है। दरअसल बात ऐसी हो गई है, उसने हमें टामा दे दिया बड़ा, कॉल नहीं लग रही तो वो क्या टामा देगा? यही तो टामा है, यही टामा है, यही टामा। ओह माय गॉड, नहीं पता था आपको? हैंकर, अरे महा को बदमाश छ, ऐसी बात तो कॉल वॉल नहीं लग रही। अब देखते हैं, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा यार, सॉरी गाइस। एक तरह लगती है तो ठीक, नहीं तो मिलते हैं आप लोगों से सफर में, बने रहो वीडियो के साथ, और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। जय हिंद, जय जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड, दिल से। तो दोस्तों फाइनली हम लोग जा रहे हैं घर को, एकदम जोर से मजे करते हुए। क्यों? कोई आएगा और सट से फोन पकड़ के ले, कोई आएगा और सट से फोन पकड़ के ले जाएगा रोज। तो फोन वोन तो हमने ले लिया, और रस्ते में आ रहे थे तो बारिश भी शुरू हो गई, तो रेनकोट तीनों ने पहन लिए। जाने दे, जाने दे, जिंदगी जुआ है, जुए से जुए से कमाने दे, पैसा कमाने दे। तो फोन वन लिया, रस्ते में मौसम भी खराब हो गया, तो मैं घर से विंड चीटर और रेनकोट लेके आया था, तो तीनों ने पहन ली। अब चलते हैं घर को, सफर में एकदम बढ़िया से, और इसके फोन की सेटिंग वेटिंग करते हैं। तो सच बता, अच्छा एक्सपीरियंस है, तुम कैसा लगा तुमको नया फोन? अपनी लाइफ में पहला नया फोन, पहला स्मार्टफोन मिला ना, पहली बार मिला है, तो एक्सपीरियंस बता। क्या बताऊँ, अभी एक्सपीरियंस और हम पारू की आदत हमेशा रस्ते में चलते, अगर हमको बच्चे मिल जाते हैं ना,
भगवान का नाम लेंगे मैं भेदभाव नहीं करता भगवान एक है और एक है जहाँ भी कुछ लिखे जो लिखे जय श्री राम बोल के बात करते हैं मन भी शांत है और अच्छा भी लगता है तो चलते हैं और आज का एक ब्लॉग नहीं इंडे करते हैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा और जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग में बाय बाय।